हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका हेल्पर एमडी साबान और टॉक टू हेल्पर चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियोज़ में, ये है मल्टीटास्किंग एक ऐप, बहुत बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा, लेकिन वीडियो पर आने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पाते रहें हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, अब आता हूँ मैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर और सर्च करना है फ्लोटिंग ऐप्स। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे ऐप आ रहा है, ये वाला ऐप आपको इसे ओपन करना है और इसे आप इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। मैंने इसे अपने फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो जब आप ओपन करेंगे तो इसमें कुछ बताएगा, आपको बताएगा कैसे ट्यूटोरियल, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बताएगा वो, कैसे करना है शॉर्ट ट्यूटोरियल। जब आप पहली बार अपना ऐप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की विंडो शो होगी, तो बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, पढ़ लें एक बार क्या क्या दिया है और क्लोज़। उसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशंस मिलते हैं जो इस ऐप में पहले से दिए हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, एक्टिव विंडो, ब्राउज़र, कैलकुलेटर, कंपास और भी बहुत सारे हैं। और जो बाकी नीचे दिए हैं ऐड, नोट, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, इसके लिए आपको अपना ये, मतलब ये जो ऐप है, इसका प्रीमियम वर्ज़न ख़रीदना पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम फ्री वर्ज़न की बात कर रहे हैं, तो इस ऐप को आप ओपन कर लें और उसके बाद मिनिमाइज़ कर दें, और क्लोज़ कर देता हूँ सब कुछ। और उसके बाद आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में एक आइकन बना हुआ आ गया है जो ऐप का है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये शो होता है। यहाँ से मैं जो चाहूँ वो खोल सकता हूँ। तो पहले कैलकुलेटर आपको ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं ब्राउज़र खुल गया। ब्राउज़र में मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ और कुछ ओपन करते हैं। चलिए समझ लीजिए मैं ओपन कर लेता हूँ डायलर, ये डायलर ओपन हो गया। और कुछ ओपन कर लेते हैं पेंट, तो ये पेंट वगैरह ओपन हो गया है। और इसमें जो ये आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं, इस पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं बहुत सारे, न्यू पेज, जो भी, अगर आप बॉर्डर, इसका जो बॉर्डर है ये विंडो का, इसको छोटा करना चाहते हैं, मिनिमल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कैसा ये छोटा हो गया। और वापस यहाँ पर क्लिक करके आप इसे नॉर्मल बॉर्डर पर कर सकते हैं, टॉप पर करने के लिए इसे टॉप पर कर सकते हैं, और बॉटम को ऑप्शन से बॉटम पर कर सकते हैं। और इसके आप देख सकते हैं बॉटम राइट साइड में सबसे नीचे इस जगह पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें आप एक ऑप्शन मिलता है जिससे हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं जिस टाइप से चाहें। तो इस ऐप की मदद से आप, जैसा कि जानते हैं कि जो एंड्रॉयड नोगट है 7.0, उसमें मल्टीटास्किंग का फीचर है, तो बहुत से लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है मल्टीटास्किंग की। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऐप है जो मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। और जैसे कि आप ऐप क्लोज़ करते हैं तो बहुत सारे आप चाहे तो ऐप मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए हमने ओपन किया सर्च विकिपीडिया, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे ताजमहल सर्च करता हूँ सर्च, तो ये विकिपीडिया में जैसे सर्च हो रहा है और कोई भी ये विंडो खुली है, तो जो क्रॉस के बगल में आइकन बना है आप उस पर क्लिक करके इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। और इस साइड राइट अपर कॉर्नर में आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये देख सकते हैं, ये आपको बताता है कि कौन कौन सी आपकी कितनी विंडो अभी ओपन है। इस पर क्लिक करने से आपको ये बता देगा फेसबुक, कैलकुलेटर सब मिनिमाइज्ड हैं, इन पर आप क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। बगल में क्रॉस बटन करके मैंने क्लोज भी कर सकता हूँ और ये सारी विंडोज़ क्लोज़ कर दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।